हाय गाइस, वेलकम टू एच पी आई टी इन्फोटेक। सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ डीएचसीपी सर्वर एंड हाउ टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर डीएचसीपी रोल इन विंडोज सर्वर 2019। अगर आपने इस सीरीज़ की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ डीएचसीपी सर्वर, देन वी विल मूव टू प्रैक्टिकल सेशन। डीएचसीपी विच इज़ डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल एक नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल और सर्विस है जिसका यूज़ नेटवर्क में कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए यूज होता है। नेटवर्क में सिस्टम और डिवाइसेस को आईपी एड्रेस असाइन करने के दो मेथड्स हैं। पहला स्टैटिक, जिसमें हम हर सिस्टम को मैन्युअली आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, और दूसरा डायनामिक, जिसमें नेटवर्क डिवाइसेस और सिस्टम्स को ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन होता है विद द हेल्प ऑफ डीएचसीपी। और जिस नेटवर्क सर्वर में हम डीएचसीपी का रोल इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर करते हैं वो कहलाता है हमारा डीएचसीपी सर्वर। तो चलिए अब प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कैसे हम विंडोज सर्वर 2019 में डीएचसीपी सर्वर इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर करते हैं। तो उसके लिए चलते हैं हम अपनी सर्वर मशीन पे। सो ये है हमारी सर्वर मशीन जिसमें ADDS और DNS का रोल ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, जो हमने इस सीरीज की प्रीवियस वीडियोज में किया था और जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम चाहें तो किसी स्टैंड अलोन सर्वर को भी डीएचसीपी सर्वर बना सकते हैं, लेकिन अभी हम इसी सर्वर को एज अ डीएचसीपी सर्वर प्रमोट कर रहे हैं, जो कि हमारा एक डोमेन कंट्रोलर भी है। अब यहाँ पे हमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जिस मशीन को हम एज अ डीएचसीपी सर्वर क्रिएट कर रहे हैं उस मशीन को सबसे पहले हम एक मैनुअल आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, जो कि हमने इस सर्वर को ऑलरेडी असाइन किया हुआ है। टू वेरीफाई गो टू लोकल सर्वर, और यहाँ पे ईथरनेट ऑप्शन में हम देख सकते हैं इस सर्वर को हमने ऑलरेडी एक मैनुअल आईपी एड्रेस असाइन किया है विच इज़ 192.168.1.100। सो अब हम इस सर्वर में डीएचसीपी का रोल ऐड करते हैं। डीएचसीपी का रोल ऐड करने के लिए गो टू मैनेज एंड क्लिक ऐड रोल्स एंड फीचर्स। बिफोर यू बिगिन विजार्ड में क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेलेक्ट इंस्टॉलेशन टाइप में हम सेलेक्ट करेंगे रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेलेक्ट अ सर्वर फ्रॉम द सर्वर पूल। अभी हमारा यहाँ पे एक ही सर्वर है विच इज सर्वर 1, जिसमें हम डीएचसीपी का रोल इंस्टॉल करेंगे और जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेलेक्ट सर्वर रोल्स में हम सेलेक्ट करेंगे डीएचसीपी सर्वर। ऐड फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर डीएचसीपी सर्वर, क्लिक ऑन ऐड फीचर्स, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेलेक्ट फीचर्स विजार्ड में हमें किसी एडिशनल फीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो वी विल गो विद डिफॉल्ट, सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। सी यहाँ पे भी हम देख सकते हैं डीएचसीपी सर्वर का ओवरव्यू। द डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल अलाउज सर्वर्स टू असाइन और लीज आईपी एड्रेसेस टू कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस दैट आर इनेबल्ड एज डीएचसीपी क्लाइंट्स। डिप्लॉइंग अ डीएचसीपी सर्वर ऑन द नेटवर्क प्रोवाइड्स कंप्यूटर्स एंड अदर TCP/IP बेस्ड नेटवर्क डिवाइसेस विद वैलिड आईपी एड्रेसेस एंड द एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर दीज डिवाइसेस नीड। दिस अलाउ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस टू कनेक्ट टू अदर नेटवर्क रिसोर्सेज सच एज DNS सर्वर, WIN सर्वर एंड राउटर्स। सो डीएचसीपी सर्वर ओवरव्यू विजार्ड में क्लिक ऑन नेक्स्ट। चेक ऑन रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड, क्लिक ऑन येस एंड क्लिक ऑन इंस्टॉल ऑप्शन। सो अब डीएचसीपी का इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इंस्टॉलेशन सक्सीडेड, कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड, क्लिक ऑन कंप्लीट डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन। क्रिएट द फॉलोइंग सिक्योरिटी ग्रुप्स फॉर डेलीगेशन ऑफ डीएचसीपी सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन। सो यहाँ पे हमारे दो डीएचसीपी सिक्योरिटी ग्रुप्स क्रिएट होंगे, डीएचसीपी एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड डीएचसीपी यूजर्स, सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। स्पेसिफाई द क्रेडेंशियल्स टू बी यूज टू ऑथराइज दिस डीएचसीपी सर्वर इन ADDS। जब तक हम इस डीएचसीपी सर्वर को ऑथराइज नहीं करेंगे तब तक ये डीएचसीपी सर्वर फंक्शनल नहीं होगा, सो ऑथराइजेशन के लिए क्लिक ऑन कमिट ऑप्शन। क्रिएटिंग सिक्योरिटी ग्रुप्स डन एंड ऑथराइजिंग डीएचसीपी सर्वर डन, सो क्लिक ऑन क्लोज एंड क्लोज। अभी हमारा इस सर्वर में डीएचसीपी का रोल इंस्टॉल हुआ है, अब हम डीएचसीपी सर्विस कॉन्फ़िगर करेंगे। सो डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करने के लिए गो टू टूल्स
और यहाँ पे हम देख सकते हैं DHCP ऑप्शन. सो क्लिक ऑन DHCP, इसको हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं. सो अंडर DHCP एक्सपेंड सर्वर 1.hpit.com, यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, IPv4 एंड IPv6. अभी हम IPv4 नेटवर्क के लिए DHCP सर्वर क्रिएट कर रहे हैं. सो क्लिक ऑन IPv4. DHCP कॉन्फ़िगरेशन में हम स्कोप्स क्रिएट करते हैं बिकॉज DHCP स्कोप के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है. और स्कोप क्रिएशन में हम रेंज ऑफ IP एड्रेसेस डिफाइन करते हैं जो DHCP सर्वर नेटवर्क कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को असाइन करेगा. सी यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, अ स्कोप इज अ रेंज ऑफ IP एड्रेसेस असाइन टू कंप्यूटर्स रिक्वेस्टिंग अ डायनामिक IP एड्रेस. यू मस्ट क्रिएट एंड कॉन्फिगर अ स्कोप बिफोर डायनामिक IP एड्रेसेस कैन बी असाइंड. सो स्कोप क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक ऑन IPv4 ऑप्शन एंड सेलेक्ट न्यू स्कोप. वेलकम विजर्ड में क्लिक ऑन नेक्स्ट. स्कोप नेम में सपोज हम दे देते हैं HPIT स्कोप, और डिस्क्रिप्शन में सपोज हम दे देते हैं अवर फर्स्ट DHCP स्कोप इन HPIT डोमेन. यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नेम और डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं. सो आफ्टर गिविंग स्कोप नेम एंड डिस्क्रिप्शन क्लिक ऑन नेक्स्ट. IP एड्रेस रेंज, यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे IP एड्रेस की रेंज कि कहाँ से कहाँ तक के IP एड्रेसेस हम नेटवर्क कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को असाइन करना चाहते हैं. अब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं 192.168.1 वाला नेटवर्क, और सपोज हम DHCP क्लाइंट्स के लिए 192.168.1.200 से 192.168.1.250 तक की रेंज असाइन करना चाहते हैं. सो स्टार्ट IP में हम देंगे 192.168.1.200 और एंड IP में हम देंगे 192.168.1.250. मींस जो भी हमारे DHCP क्लाइंट्स को IP एड्रेस असाइन होगा वो 1.200 से लेके 1.250 तक के IP एड्रेसेस असाइन होंगे. और यहाँ पे हमारे IP एड्रेस के क्लास के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सबनेट मास्क की लेंथ सेलेक्ट हो जाती है. देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. एड एक्सक्लूजन्स एंड डिले. एक्सक्लूजन्स आर एड्रेसेस और रेंज ऑफ एड्रेसेस दैट आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द सर्वर. मीन्स स्कोप में से जिन IP एड्रेसेस को हम एक्सक्लूजन में ऐड करेंगे उन IP एड्रेसेस को DHCP सर्वर किसी भी क्लाइंट को असाइन नहीं करेगा. अब जैसे हमने यहाँ पे स्कोप क्रिएट किया था 192.168.1.200 से लेके 250 तक, अब सपोज हम चाहते हैं कि DHCP सर्वर 192.168.1.200 से 205 तक के एड्रेसेस किसी भी नेटवर्क सिस्टम और डिवाइसेस को असाइन ना करे, तो उन एड्रेसेस को हम ऐड कर देंगे एक्सक्लूजन में. सो स्टार्ट IP में हम दे देते हैं 192.168.1.200 और एंड IP एड्रेस में हम दे देते हैं 192.168.1.205. देन क्लिक ऑन ऐड. सो अब हमने 200 से 205 तक के एड्रेसेस को एक्सक्लूजन में ऐड कर दिया है. सो अब इन एड्रेसेस को DHCP सर्वर किसी भी नेटवर्क डिवाइस को असाइन नहीं करेगा. सिमिलरली सपोज हमारे नेटवर्क में एक प्रिंट सर्वर है जिसको हमने मैनुअली 192.168.1.210 IP एड्रेस दिया हुआ है, और हम नहीं चाहते हैं कि DHCP सर्वर 210 IP एड्रेस किसी भी नेटवर्क डिवाइस को असाइन करे, अदरवाइज IP एड्रेस नेटवर्क में कॉन्फ्लिक्ट करेंगे. सो 210 को भी हम यहाँ पे एक्सक्लूजन में ऐड कर सकते हैं. सो स्टार्ट IP में हम देंगे 192.168.1.210 एंड क्लिक ऑन ऐड. सो अब 192.168.1.210 भी हमारा एक्सक्लूजन में ऐड हो गया है. देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. लीज ड्यूरेशन. लीज ड्यूरेशन बेसिकली डिफाइन करता है कि कोई DHCP क्लाइंट कितने टाइम पीरियड के लिए उस IP एड्रेस को यूज कर सकता है. और विंडोज सर्वर में बाय डिफॉल्ट लीज ड्यूरेशन 8 डेज होती है, और यहाँ से अगर हम चाहें तो इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं. यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं डिफॉल्ट लीज ड्यूरेशन. सो क्लिक ऑन नेक्स्ट. डू यू वॉन्ट टू कॉन्फिगर DHCP ऑप्शन फॉर दिस स्कोप नाउ? येस आई वॉन्ट टू कॉन्फिगर दीज ऑप्शन नाउ एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट. राउटर और डिफॉल्ट गेटवे. सो यहाँ पे हमारे नेटवर्क का जो डिफॉल्ट गेटवे होगा उसका IP एड्रेस हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जो कि यहाँ पे हमारा एक राउटर है जिसका IP एड्रेस है 192.168.1.1. सो क्लिक ऑन ऐड. देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. डोमेन नेम एंड DNS सर्वर्स. यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारा सेलेक्टेड है hpit.com, और यहाँ पे हम देख सकते हैं उसका IP एड्रेस विच इज 192.168.1.100. अगर यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट नहीं आता है तो हम इसे मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं. सो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं एक बार इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ. सो सर्वर नेम में मैं दे देता हूँ server1.hpit.com
एंड एड्रेस में हम दे देते हैं इसका आईपी एड्रेस विच इज 192.168.1.100 एंड क्लिक ऑन एड वैलिडेटिंग डीएनएस सर्वर। सो यहाँ पे हमारा डीएनएस सर्वर का एड्रेस ऐड हो गया है। अगर हम यहाँ पे कोई पब्लिक डीएनएस सर्वर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे गूगल के डीएनएस सर्वर का एड्रेस ऐड कर देता हूँ विच इज 8.8.8.8। सो सर्वर नेम को हम रखते हैं ब्लैंक और आईपी एड्रेस में हम टाइप करेंगे 8.8.8.8 एंड क्लिक ऑन ऐड। सो ऐसे हम यहाँ पे डीएनएस सर्वर के एड्रेसेस ऐड कर सकते हैं जो कि यूज होता है नेम रिजोल्यूशन के लिए। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। विंस सर्वर, विंस बेसिकली पहले यूज होता था जो कि आईपी एड्रेस के नेट बायोस नेम के साथ मैपिंग के लिए यूज होता था, बट प्रेजेंट टाइम में विंस का उतना यूज नहीं है। सो लीव इट ब्लैंक एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। डू यू वॉन्ट टू एक्टिवेट दिस स्कोप नाउ? येस, आई वॉन्ट टू एक्टिवेट दिस स्कोप एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड क्लिक ऑन फिनिश। सी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा एक स्कोप क्रिएट हो गया है। सो अब हम एक बार DHCP की सर्विस को रिस्टार्ट कर लेते हैं। सो राइट क्लिक ऑन server1.hpit.com, सेलेक्ट ऑल टास्क एंड क्लिक ऑन रिस्टार्ट। नाउ क्लिक ऑन एड्रेस पूल। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है हमारा स्कोप रेंज 192.168.1.200-250 और ये है हमारी एक्सक्लूडेड रेंज। अगर हम अभी क्लिक करें एड्रेस लीजेस पे तो अभी ये यहाँ पे ब्लैंक है बिकॉज अभी किसी भी सिस्टम को इस सर्वर से आईपी एड्रेस असाइन नहीं हुआ है। रिजर्वेशन, जिसकी हेल्प से हम किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को किसी स्पेसिफिक सिस्टम और डिवाइस के लिए रिजर्व कर सकते हैं, जिसको कि अपकमिंग वीडियोज में हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। एंड स्कोप ऑप्शंस, यहाँ पे हम देख सकते हैं डिफरेंट ऑप्शन लाइक राउटर एड्रेस, डीएनएस सर्वर एड्रेस एंड डोमेन नेम डिटेल्स। सो अब हम लॉगिन कर लेते हैं अपने विंडोज 10 मशीन पे, जिसको हम इस डीएचसीपी सर्वर से आईपी एड्रेस असाइन करवाएंगे। सो अब हम आ गए हैं अपनी विंडोज 10 मशीन पे। सबसे पहले हम इसकी नेटवर्क सेटिंग्स वेरीफाई कर लेते हैं। सो ऑन टास्क बार राइट क्लिक ऑन नेटवर्क आइकन, सेलेक्ट ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, क्लिक ऑन ईथरनेट ऑप्शन एंड क्लिक डिटेल्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं डीएचसीपी इनेबल्ड नो, मींस अभी हमने इसे एक मैनुअल आईपी एड्रेस असाइन किया है। अब हम चाहते हैं कि इस सिस्टम को हमारे डीएचसीपी सर्वर के थ्रू आईपी एड्रेस असाइन हो। सो ईथरनेट स्टेटस में क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज, सेलेक्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हमने इसे एक मैनुअल आईपी एड्रेस असाइन किया है, सो क्लिक ऑन ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली एंड ऑल्सो सेलेक्ट ऑब्टेन डीएनएस सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिकली, देन क्लिक ऑन ओके एंड क्लोज। नाउ क्लिक ऑन डिटेल्स। सी, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं डीएचसीपी इनेबल्ड येस, और इसे जो आईपी एड्रेस असाइन हुआ है वो है 192.168.1.206 बिकॉज हमने 192.168.1.200 से 205 तक के एड्रेसेस को एक्सक्लूजन में ऐड किया था। और यहाँ पे हम देख सकते हैं लीज ऑब्टेंड 31st जुलाई एंड लीज एक्सपायर्स 8 अगस्त। IPv4 DHCP सर्वर इज 192.168.1.100। सो इसे हम एक बार कमांड प्रॉम्प्ट से भी वेरीफाई कर लेते हैं। सो प्रेस विंडोज प्लस एस की, टाइप cmd एंड प्रेस एंटर। कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप ipconfig स्पेस /all एंड एंटर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं DHCP इनेबल्ड येस, IP एड्रेस इज 192.168.1.206 एंड लीज डिटेल्स एंड डीएचसीपी सर्वर इज 192.168.1.100 एंड डीएनएस सर्वर इज ऑल्सो 192.168.1.100। सो अब हम एक बार डीएचसीपी सर्वर से भी वेरीफाई कर लेते हैं। सो डीएचसीपी सर्वर में क्लिक ऑन एड्रेस लीजेस एंड क्लिक ऑन रिफ्रेश। सी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 192.168.1.206 आईपी एड्रेस जो कि असाइन हुआ है hpit.com डोमेन के PC1 को। सो नेटवर्क में जिन जिन कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को डीएचसीपी सर्वर के थ्रू आईपी एड्रेस असाइन होगा उनकी डिटेल्स हम डीएचसीपी सर्वर में चेक कर सकते हैं। सो ऐसे हम विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में डीएचसीपी सर्वर इंस्टॉल एंड कॉन्फिगर करते हैं। आई होप गाइज आप डीएचसीपी के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन
और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हैं. सो कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू.